आपणंक टीवी ओडिसा माटीर बास्ना। बात्या अम्फान रो आखि खोलिला, आसंता 12 घंटा मध्यरे नेई पारे महाबात्यार रूप। उत्तर उपकूल ओडिसा को अधिक प्रभाव, प्रबल वर्षा सह बढ़िबो पवनर बेग। समुद्र भितरे महाबात्यार रूप नेउछि सामुद्रिक झड़ अम्फान। भारतीय पाणिपाग विज्ञान विभाग निर्देशक मृत्युंजय महापात्र एने सूचना देछंती। आसंता काली सकल 5:30 समय मध्यरे समुद्र मध्यरे अम्फान अधिक शक्तिशाली होई अग्रसर हेबो। पारादीप थारु वर्तमान 700 किलोमीटर दूर रे रहिछि बात्या अम्फान। स्थलभाग छुईला बेलकु नेब एक्सट्रीमल सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। पूर्वानुमान अनुसार आसंता 6 घंटा मध्यरे एहा एक्सट्रीमल सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप नेब। समुद्र भितरे एहा घंटा को 13 किलोमीटर बेगरे उत्तर उत्तर पूर्व मुहां होई मारि आसुछि। पारादीप थारु एबे दक्षिण रे 700 किलोमीटर दूर रे रहिछि बात्या अम्फान। बांग्लादेश रे खेपुपरा थारु 1060 किमी दूर रे रहिछि बात्या। वर्तमान अम्फान रो आखि धीरे धीरे स्पष्ट हेलाणी, ताहार आखि एबे वर्तमान केन्द्रीय बंगोपसागर मध्य रे रहिछि। तेबे शेष सूचना अनुसार सामुद्रिक बात्या अम्फान एबे रिकर्व करि सारिछि, तेणु यापर आसंता 6 घंटे अति भीषण सामुद्रिक बात्यार रूप नेब अम्फान। पूर्वानुमान अनुजाई यह आसंता 12 घंटा पर्यंत उत्तर दिगरे गति करिबो, तापर उत्तर उत्तर पूर्व दिगकु गति बदलाई उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपरे अति तीव्र बेगरे गति करिबो। 20 तारिख अपराह्नरो संध्या मध्यरे पश्चिमबंगर दीघा उपकूल और बांग्लादेशर हातिया द्वीप मध्यरे ल्यांडफल करिबो बा स्थलभाग छुईब बात्या अम्फान। ए भीषण सामुद्रिक बात्या स्थलभाग छुईला बेलकु मध्य शक्तिशाली रहिथिबो जहाँकि चिंतार कारण हो जाइछि, कारण स्थलभाग छुईला बेलकु एही समय रे पवनर बेग घंटा प्रति 145 रु 155 किमी रहिबो, सर्वाधिक 170 किलोमीटर होइपारे बोली भारतीय पाणिपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। स्थलभाग छुईला बेलकु ओडिसार गंजाम पुरी खोर्धा उपकूल रे पवनर बेग प्राय 75 किमी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे बात्या अम्फान के रूप नहीं गति करिबो आमे आपण मानको नेक्स्ट वीडियो रे नेइके आसिबु। जदि ए वीडियो भी आपण माने देखिबा चाहछंती ताले आम चैनल को जे माने एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनांती एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे सुदबा घंटी बटन को प्रेस कर दियंतु। घंटी बटन को प्रेस करबा द्वारा आपण सर्वप्रथम लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम देखि परिबे।